नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं सर डॉक्टर किरण यादव। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली होती है न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी फिजिक्स होती है उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। आप सबने पढ़ा होगा कि एक एटम जो भी मटीरियल मैटर है या मटीरियल पार्टिकल जो भी है सब एटम से मिल के बने होते हैं। तो एटम जो होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में पढ़ा होगा। अब ये जो न्यूक्लियस है ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ था, कैसे पता चला था कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? तो ये पता चला था 1911 में एक रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, उसके थ्रू ये चीज़ हमें पता चली थी। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल ली थी। ठीक है, किसी भी मटेरियल की एक बहुत ही पतली सी फॉइल ली थी उस एक्सपेरिमेंट में। रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल ली थी और उस फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को गिराया था। ठीक है, वो फॉइल काफ़ी पतली थी, एटॉमिक लेवल जितनी पतली थी, लाइक कुछ एटम्स में उसका जो थिकनेस था फॉइल का। जब उस पर अल्फा पार्टिकल्स को गिराया गया तब क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स उसमें से क्रॉस होके सीधा चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस डिफ्लेक्ट हो गए। अब जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो अलग अलग एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। जैसे कोई अल्फा पार्टिकल गिराया फॉइल से टकरा के वो वापस 30 डिग्री एंगल पर वापस मुड़ गया, कोई अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री एंगल पे वापस मुड़ गया, बट कुछ अल्फा पार्टिकल्स 120 पे मुड़ गए। बट कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, हालांकि उनका नंबर काफ़ी कम था, बट वे ऐसे थे जो 180 डिग्री वापस टर्न होके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। जैसे आपने अल्फा पार्टिकल को गिराया, वो फॉइल से टकराया और वापस जिस डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में वापस टर्न होके वापस चला गया, एकदम 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गए। तो जब उन्होंने इस फिनोमिना को और डीप स्टडी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, सब अल्फा कुछ क्रॉस होके सीधा जा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं कि वापस मुड़ जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्हें पता चला कि ये हो रहा है एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से। एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंटर में एक बहुत ही डेंस एरिया है। ठीक है, और उसके चारों तरफ ओपन स्पेस है, उस ओपन स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो वो जो सेंटर वाला डेंस एरिया है उससे जब अल्फा पार्टिकल टकराता है तो वो अल्फा पार्टिकल वापस 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो ये जो सेंटर में एरिया था इस एरिया को बोला गया था न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था 1911 में रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिकली हम एक तो पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे उसके रेडियस कैलकुलेट होती है, कैसा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर और क्या क्या है। ठीक है, वो सब। दूसरी चीज़ होती है, एक 1896 में बेक्वेरेल ने एक रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना डिस्कवर किया था। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है वो अपने आप डिके होता चला जाता है इस फिनोमिना में। ठीक है, बाद में ये पता चला था कि ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना जो है वो भी न्यूक्लियस में ही होता है या न्यूक्लियस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना है ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंडर ही हम पढ़ते हैं, बिकॉज ये न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है, दैट्स वाई इट कम्स अंडर द न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंडर आती हैं और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लियस एक्चुअली सभी एलिमेंट्स, लगभग सभी एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिल के बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी सभी लगभग एलिमेंट्स जो हैं उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए मास, ये है
Mn है यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास और Mp है प्रोटॉन का मास, ठीक है। तो मास इनके लगभग इक्वल ही होते हैं, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आपको एटम की एक स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। एटम में क्या होता है, सबसे पहले एक सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है।